हेलो फ्रेंड्स, आपकी दोस्त अदिति में आपका स्वागत है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि गर्मियां आ गई हैं, तो गर्मियों में कौन सी तीव्र चीजों को साथ लेके चलें या अप्लाई करके चलें। एक आधी चीज तो घर पे भी अप्लाई करके आप जा सकते हैं, बाकियों को कैरी करना मत भूलें, आप बहुत सुखी रहेंगे। तो वो तीन चीजें कौन सी हैं, उनमें से पहली मैं आपको बताऊंगी, रोल ऑन। सो मुझे लगता है कि गर्मियों में यूजली हम स्प्रे, मिस्ट या डिओ यूज करते हैं, परफ्यूम्स यूज करते हैं, पर उसके अलावा ये आप जरूर गर्मियों में लगाएं, क्योंकि यूजली क्या होता है कि इतना ज्यादा गर्मी, कई कई एरियाज में तो 45 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, तो अकेला अगर आपने डिओ लगाया है 2 आवर्स के बाद वो अपना फ्रेग्रेंस छोड़ देगा, खत्म हो जाएगी, एंड देन यू विल फील के मैं फिर से फ्रेश नहीं फील कर रही या कर रहा। सो मुझे लगता है कि रोल ऑन इज मस्ट इन समर, आप इसको अप्लाई जरूर करें। इसके बाद अगर आप कोई मिस्ट लगाना भूल गए हैं, फ्रेग्रेंस और एडिशनल नहीं भी लगाई है, तो भी ये आपसे बुरी ऑर्डर नहीं आने देगा। सो दिस इज रियली अ मस्ट। मैं तो विंटर्स में भी इसको यूज करती हूँ, और मेरे पास जो प्रोडक्ट है रोल ऑन में वो है रेक्सोना का, जो कि इस तरह से है। पहले जब मैं छोटी होती थी वो दूसरा वैक्स फॉर्म में आता था, वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता था, बट आजकल इट इज लाइक दिस ओनली। सो यहाँ पर लिक्विड है जिसको आप अपनी अंडर आर्म्स में यूज करते हैं, और ये प्रोडक्ट मुझे मिला था आई थिंक 145 और नायका की ऑफ पे मुझे 120 के प्रॉक्स मिला था। रियली अ गुड, अ मस्ट हैव। इसको जरूर अप्लाई करें, उससे क्या होगा, आपका जो फ्रेग्रेंस एडिशनल आपने लगाया है, मिस्ट, डीओ, वो और लॉन्ग लास्टिंग होगा, क्योंकि आप अगर बुरा स्मेल ही नहीं करेंगे अपनी अंडर आर्म से, मेन यही पार्ट है बॉडी का जो स्मेल करता है, अगर आप यहां से स्मेल करना ही बंद हो जाएंगे, तो जो आपका ओवरऑल परफ्यूम लगा हुआ है बॉडी में वो और इनहेंस रहेगा, उसके ड्यूरेशन जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी आपकी बॉडी पे फ्रेग्रेंस की। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है जो तो मैं कैरी भी करती हूँ, वो है मेरा सनस्क्रीन। आप कोई सा भी सनस्क्रीन ले सकते हैं, और मेरे पास जो करंटली मैं यूज कर रही हूँ वो सेन बोटानिका का वाइटामिन सी एसपीएफ 75 ये सन प्रोटेक्शन है मेरे पास, बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैं 75 यूज करती हूँ, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम वेरी पर्टिकुलर फॉर सनस्क्रीन कि मुझे लगाना ही है। ये UVA PA++++ UVB सब कुछ प्रोटेक्ट कर रहा है, एंड दिस इज रियली अ गुड वन। तो ये लिक्विड फॉर्म में है मेरे पास, अगर आपके पास कोई और तरह का भी है आप उसको यूज कर लें। सो मैं यूजली इसको अपने हैंड्स पे, अपने पाँव पे, अगर मैंने कोई फ्लैट चप्पल पहनी हुई है, और अपने फेस पे इसको कवर करती हूँ, अपनी नेक भी मैं कवर करती हूँ, और इसको कैरी जरूर करें, बिकॉज सनस्क्रीन जो है वो 4 आवर्स के बाद अपना असर छोड़ देते हैं, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो इसको कैरी करें। और अगर आपको दोपहर को या कभी बाहर निकलने के लिए अप्लाई करना है, आप पानी से अपना मुंह धो लें या वेट वाइप से अपना मुंह धो के हल्का सा मॉइस्चराइज कर लें, और इसको दोबारा अप्लाई करें। अगर आप अपना, आपको लगता है मेरा फेस बिल्कुल खराब नहीं है, तो आप इसको रीअप्लाई करें, इसको करें जरूर, इससे आपका कोई नुकसान स्किन को नहीं होता, बल्कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है सन से। अगर आपका स्किन सन से गर्मियों में प्रोटेक्ट नहीं है, तो बहुत ज्यादा कंसर्न्स आ सकते हैं, टैनिंग भी हो जाती है, जिसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पूरी सर्दी टैनिंग खत्म करने में लग जाती है, और गर्मी आते ही 2 दिन में टैनिंग हो जाती है। तो बचना चाहते हैं तो इसको मस्ट है, इसको बॉटल में रखें, नॉट दिस ब्रांड, एनी प्रोडक्ट ऑफ सनस्क्रीन दैट यू हैव यू कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम। एंड द थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको भी अपने बैग में जरूर रखें, दैट इज सैनिटाइजर। छोटी छोटी बॉटल्स भी आजकल मार्केट में 30-40 रुपीज की इजिली अवेलेबल है, ये क्यों रखें आप कहेंगे, कोविड तो है नहीं, अब क्यों रखेंगे, इट्स नॉट अबाउट कोविड, कोविड अभी खत्म नहीं है। आप कभी भी मार्केट में जाते हैं, कोई खांस रहा है, तो अब ना कोविड के बाद एक माइंड में आना शुरू हो जाता है, अच्छा इसने खांसा है तो मैं वही चीज पिक कर लूँ, ये होता है। मैं कल एक शॉप पे गई थी, तो वहाँ एक लेडी नेल पेंट ट्राई कर रही थी, मैं भी कर रही थी, तो उसने खांसा, तो वही प्रोडक्ट उसने उठा के यूज किया, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा ऑनेस्टली। तो मैंने क्या किया, मेरे बैग में ये था सैनिटाइजर, मैंने निकाला, इसको अप्लाई करा थोड़ा सा, और फिर मैंने यूज किया, और मेरे को मन में ये सेटिस्फैक्शन थी कि भाई मुझे शायद कोई इन्फेक्शन नहीं होगी। मैं ये नहीं कहती अब मास्क लेके घूमे, नो नीड, बट ये सैनिटाइजर इज मस्ट। कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन आपके सराउंड में है, या आपको किसी से इन्फेक्शन हो सकती है, आप कोई चीज को यूज कर रहे हैं जो उस पर्सन ने यूज किया, तो इसको अप्लाई करें। तो मुझे लगता है कि ये तीन चीजें अपने साथ जरूर कैरी करें, ये भी कैरी करें, पर मैं आपको रियली बोलूंगी, अगर आप इसको 1 टाइम मॉर्निंग में अप्लाई करते हैं, तो पूरा दिन 8 बजे 9 भी बज जाएंगे रात को, आप स्मेल बैड नहीं करेंगे। सो दिस इज रियली अ वंडरफुल रोल ऑन।
मैंने एक दो प्रोडक्ट्स रोल ऑन में मैंने और भी यूज किए थे, डव का भी किया था और एक पता नहीं कौन सा लंदन करके कोई ब्रांड आता है उसका भी किया था, बट मुझे लगता है सोना का रोल ऑन इज द बेस्ट वन। फ्रेग्रेंस पे बड़ा लाइट है और पूरा दिन आपसे बैड ऑर्डर नहीं होगा। सो ये तीन चीजें जरूर लें अपने साथ गर्मियों में और घर से इनके बिना बिल्कुल भी नहीं निकले। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक तो करो, सब्सक्राइब भी करो, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और मैं आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन का लेके आती रहूंगी। थैंक यू सो मच।